बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 7 जुलाई सन 2023 और दिन है जुमा का। आप तमाम दोस्तों को हमारी तरफ से जुमा मुबारक हो। जो सबसे पहली आपने बात बतानी है कि इस वीडियो का रिज़ल्ट कैसा है, क्योंकि हमने अपना जो मोबाइल है वो चेंज किया है, तो इसके रिज़ल्ट के बारे में आपने लाजमी बताना है कि इसका रिज़ल्ट अच्छा है या इससे जो पहले मोबाइल था, जो इससे पहले वीडियो रिकॉर्ड होती थी, उसका रिज़ल्ट अच्छा था। बाकी बात करेंगे आज जो टैक्सी के हवाले से ओमान की तरफ से अभी हालिया चंद दिनों में, कुछ दिन पहले जो एक रूल आया था कि जो भी टैक्सी हैं, जो भी आम पब्लिक टैक्सी हैं, अगर वो जो एप्लीकेशन है, जो मीटर की एक एप्लीकेशन इन लोगों ने बनाई थी, अगर वो उसको यूज़ करेंगे तो तब ही वो किराए के हकदार होंगे। तो क्या जो किसी भी इलाके में वो मीटर के हवाले से जो पर किलोमीटर का हिसाब, जो स्टार्टिंग में 300 पैसा था और उसके बाद में पर किलोमीटर के हिसाब से 125 या 130 पैसे कुछ ऐसा था जो चार्ज करने थे और जितने भी आदमी थे उन सब पर डिवाइड करना था, तो क्या किसी के साथ कुछ ऐसा मामला पेश आया है या कुछ ऐसा इलाका ओमान के अंदर है जिसमें ये रूल लागू किया गया है, जिसमें ये रूल चल रहा है इस वक्त, या फिर आपसे किसी ने, कोई भी टैक्सी वाले ने आपसे ये चीज़ के बारे में कहा हो और उस हिसाब से आपसे पैसे लिए हों? या इसके साथ ही एक और इससे पहले रूल आया था, उसमें तो काफ़ी ज़्यादा शॉप के ऊपर जो ऑनलाइन पेमेंट के हवाले से या कैशलेस जो पेमेंट थी उसके हवाले से कहा गया था, और उसमें भी कुछ दुकानदार जो हैं वो थोड़े से हाथ पीछे खींचते हैं कि अगर वो मशीन से पैसे लेंगे, वो डिवाइस से पैसे काटेंगे, तो कुछ जो टैक्स वगैरह है वो उनकी तरफ से, यानी वो मशीन वाला जो बैंक वाले हैं वो भी टैक्स जो है वो काटेंगे। लेकिन जो कुछ ज़्यादातर तो देखा गया है कि जो कैशलेस सिस्टम ही है बाकी, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी जगह मौजूद अब भी हैं जो वो यूज़ नहीं करते और कैश ही लेते हैं। बाकी टैक्सी के हवाले से जो मेन है उसके बारे में आप लाजमी बताइएगा। और इसके अलावा कुछ एक दूसरा रूल आया था एक्सपेक्ट के हवाले से, वो न्यूज़ थी, यानी उस न्यूज़ में वजाहत की गई थी कि जो भी ओमान के अंदर कंपनियां हैं या स्पॉन्सर हैं, वो जो भी खारजी आते हैं काम करने के लिए उनको फोर्स नहीं कर सकती, यानी अगर उनके एग्रीमेंट में नहीं लिखा तो उनको फोर्स नहीं कर सकती कि वो अपना जो लेबर कार्ड है या फिर उनका जो पासपोर्ट है वो कंपनी के सपोर्ट करें। तो इसके हवाले से क्या चल रहा है और दूसरे जो दो पहले बताए हैं उसके हवाले से क्या चल रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे दूसरी अपडेट के साथ, लेकिन आपने इस वीडियो का रिज़ल्ट के बारे में लाजमी कमेंट करके बताना है। अल्लाह हाफ़िज़।